राम राम दोस्तों, मैं रेबल एन के आपका स्वागत करता हूँ ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 33 में। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, क्यों जन्मे थे महाराजा धृतराष्ट्र अंधे। महाराजा धृतराष्ट्र महाभारत के मेन कैरेक्टर्स में से एक थे और इनका महाभारत का युद्ध होने में बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ याद दिलाना चाहता हूँ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी शायद ये पॉइंटलेस बात लग रही है, लेकिन ये संसार भी ऐसे ही काम करता है। कई बार हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मतलब अगर तुम किसी का दिल तोड़ोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा भी तोड़ेगा। तुम कुछ चोरी करोगे तो तुम्हारा भी कुछ चोरी जरूर होगा। प्रकृति और ऊपर वाले का हिसाब किताब बनी से भी अच्छा होता है और इसमें कोई गोलमाल या डिस्काउंट नहीं होता। तो इसीलिए कहता हूँ, जिंदगी में सब कुछ करो पर कभी किसी के लिए गलत मत करो, क्योंकि हम में से कोई भी धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहेगा। अब हम जानते हैं ऐसा धृतराष्ट्र ने क्या किया था कि वो अंधे जन्मे और अपने 100 पुत्रों को मरते देखा। असल में धृतराष्ट्र की इस हालत की नींव रखी गई थी उनके पिछले जन्म में। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही क्रूर राजा थे और आप सभी लोग जानते हैं कि क्रूर और निर्दयी लोग किसी को कुछ नहीं देख सकते। इन्हें लोगों को दुखी करके ही सुकून मिलता है। एक बार यह राजा जंगल में घूमने गए और उन्होंने तालाब में एक बहुत सुंदर हंस और उसके परिवार को देखा। अब इस घटिया किस्म के राजा से सुंदरता बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने सेवकों को ऑर्डर दिया कि हंस की दोनों आंखें फोड़ दो और उसके सारे बच्चों को जान से मार दो। अब ताकत के नशे में चूर उस राजा ने कभी नहीं सोचा होगा कि अगले जन्म में उसके साथ भी यही होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ऊपर वाले का हिसाब किताब बहुत पक्का है और वहां रिश्वत नहीं चलती। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।